इंसान में प्रतिभा नाम की एक चीज होती है यहां ऐसी क्षमता है जो प्रकृति के लाखों वर्षों का काम सुबह से दोपहर तक कर सकती है अगर जरूरी कोशिश की जाए तो आप जागरूकता से ऐसा कर सकते हैं अगर जरूरी स्थिति बनाई जाए तो उस व्यक्ति का सफल होना तय है बात छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता मनुष्य अपने हर काम में सफल होना चाहता है जीवन में अनंत दरवाजे मौजूद हैं आप बहुत मेहनती हैं तो आप कुछ दरवाजे खोलेंगे आप बुद्धिमान हैं तो कई दरवाजे खोलेंगे पर अगर आप वाकई जीवंत हैं तो दरवाजे खुद खुलेंगे सफल होना लोगों के लिए इतना जटिल हो जाता है कि वो सफलता क्यों चाहते हैं ये आमतौर पर वो बिल्कुल भूल जाते हैं और वो सफलता के सिद्धांत बुनना शुरू कर देते हैं हर तरह के सिद्धांत जैसे सफलता क्या होती है क्या मैं चुटकुला सुना सकता हूं आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं भारत में एक आदमी था शंकरन पिल्लई अच्छा ये जॉन स्मिथ की तरह है उनका बेटा अमेरिका आया जाहिर है एक भारतीय युवक यानी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो टेक्सस गया और वहां काम करने लगा फिर उसे एक अमेरिकी महिला से प्यार हो गया वो परेशान हो गया क्योंकि भारत में ऐसा प्रेम अपराध है वो परेशान हो गया फिर उसने अपनी मां को बताया फिर मां ने पिता को बताया और पिता फट पड़े वो उन्हें समझाने के लिए घर गया पर बात नहीं बनी क्योंकि भारत में कोई शादी करना चाहे तो लोग उसके परिवार की 500 सौ पुश्ते जांचते हैं वो उस व्यक्ति के वंश की शुद्धता देखते हैं जिससे आपकी शादी होगी तो अमेरिका की एक गोरी महिला आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं हम उसका वंश नहीं जानते वो कहां से आई है उसका वंश क्या है दादा दा दा, दा, दा दा। तो वो समझा नहीं पाया और वापस आ गया और उसे फिर से प्यार हो गया और वो आगे बढ़ गए तब शंकरन पिल्ले अपने बेटे को त्याग कर बोले मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है फिर साल बीते उनका एक बेटा हुआ और उसकी तब की तस्वीर थी जब वो पैदा हुआ था और पत्नी रोजाना अपने छोटे बेटे की तस्वीर फेसबुक पर अपलोड करती थी छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा था वो बेटे को त्याग चुका था पर पोते की बात अलग होती है धीरे धीरे एक दो साल में उसे इस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया जिसे उसने देखा तक नहीं था फिर लोग अमेरिका से उसके पास आने लगे अरे आपने अपने पोते को नहीं देखा ओ आप उसे जरूर देखिए वो आपके जीवन का फल है धीरे धीरे उसे इच्छा हुई फिर उसने तय किया वो अपने बेटे का चेहरा नहीं देखेगा पर अमेरिका जाकर सिर्फ पोते को देखेगा और उस गोरी औरत को तो बिल्कुल नहीं देखेगा फिर वो अमेरिका गया और उसे एक सात साल का ऊर्जावान युवा लड़का मिला वो एक फार्म में रह रहे थे वो यहां वहां कुछ करता रहता था उसे इस छोटे साथी से गहरा प्रेम हो गया फिर एक दिन वो लड़का बोला दादाजी आओ मैं आपको तीरंदाजी सिखाता हूं वो उस लड़के के साथ फार्म में गया और वहां उसने आठ लक्ष्य देखे वो सभी तीर बिल्कुल निशाने पर थे शंकरन पिल्लई ने यह देखकर सोचा अरे ये मेरा पोता है उसे भारत के सभी महान तीरंदाज याद आ गए अर्जुन और एकलव्य और उसे भविष्य दिखा ओलंपिक स्वर्ण पदक आसमान से गिर रहे थे फिर उसने पूछा तुमने कहां से तीर चलाया लड़का बोला बीस गज से क्या बीस गज की दूरी से तुमने सभी तीर निशाने पर मारे हैं तुमने यह कैसे किया फिर लड़का बोला दादाजी मैं तीर पहले मारता हूं और फिर निशान बना देता हूं <laughs> तो सफलता से जुड़े ये सिद्धांत रुकावट बन सकते हैं और मैं लगातार ऐसे लोगों के साथ रहा हूं वो एक हद तक सफलता पा चुके हैं पर उनका जीवन उनकी सफलता के सिद्धांत में फिट नहीं हो रहा है और वो ढांचा टूट रहा है पर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है कुछ गलत नहीं है वो बस बेहतर हो रहे हैं स्थितियां उन्हें आगे बढ़ा रही हैं पर उनके सिद्धांत टूट रहे हैं तो वो अपनी सफलता से दुखी हैं आपको कई लोग ऐसी चीजों से गुजरते हुए दिखाई देंगे अगर सफलता की बात करें तो मुझे यकीन है कि आपके पास योजनाएं होंगी कि जीवन में सफल कैसे होना है हुँ? आपकी योजनाएं हैं? योजना ठीक है? है योजना अच्छी होकर भी एक उलझन हो सकती है क्योंकि आप आज जो जानते हैं उसी से योजना बनाते हैं योजना किसी अनजान चीज पर आधारित नहीं होती आपकी योजना यानी आज को बढ़ा चढ़ाकर कल की कल्पना करना अभी आप यहां एक स्तर पर हैं आपकी योजना यह होती है कि यह इतने वर्षों में दस गुना होना चाहिए या सौ गुना या लाख गुना हो जाए बट प्लान इज जस्ट एसेंशियली टूडे पर योजना यानी आज की स्थिति को बढ़ा चढाकर की गई कल्पना शायद इसके पीछे कोई तर्क हो शायद आप उससे जुड़ी चीजें समझते हो पर मूल रूप से आप आज की ही बढ़ा चढ़ाकर कल्पना करते हैं यानी कई मायनों में वो सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं जो अभी आपके अनुभव में नहीं हैं। आपने पेंसिल्वेनिया की बाढ़ के बारे में सुना पेंसिल्वेनिया में बाढ़ आती है आपको पता है? एक बार एक बड़ी बाढ़ आई और एक शहर में पानी इतना ऊपर उठा घर डूबने लगे तो दो छोटे लड़के अपने घर की छत पर चढ़कर बैठे थे फिर उन्होंने अपने घर के सामने एक टोपी को ऊपर नीचे होते देखा एक ने पूछा वो टोपी ऊपर नीचे क्यों हो रही है दूसरा बोला चिंता मत करो वो मेरे पिताजी हैं कल उनका मेरी मां से झगड़ा हुआ था और उन्होंने प्रण लिया था नरक या ऊंचा पानी मैं लॉन जरूर काटूंगा तो योजनाएं परेशानी बन सकती हैं योजनाएं बनाना अच्छा है पर ज्यादा जरूरी यह है कि एक उद्देश्य हो अगर उद्देश्य है तो योजनाएं बनती जाएंगी योजनाएं फेल होंगी और फिर नई योजनाएं बनेंगी जो होना है होगा आप एक उद्देश्य पर टिके रहें तो बाकी चीजें उस उद्देश्य की मदद करेंगी पर अगर आप किसी योजना पर टिके रहेंगे तो वो योजना खुद एक रुकावट बन सकती है योजना संभावना भी है योजना बनाकर रखना ठीक है लेकिन आपको योजना को थोड़ी दूरी पर थाम कर रखना चाहिए आपको योजना से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए सफलता की प्रक्रिया देखिए मूल रूप से सफलता की चाह हर इंसान में होती है आप उसमें थोड़ी आग डालकर उसे अपना जुनून बना सकते हैं लेकिन अगर यह आपके अंदर की एक जरूरत बन जाती है कि आपको सफल होना ही है वरना आपको बहुत दुख होगा तो फिर आप दिक्कत में पड़ने वाले हैं एक गंभीर दिक्कत हमारे जुनून जहर बन सकते हैं become, हमारे जुनून जहर बन सकते हैं अगर हम उन जुनून के सफल न होने पर नाराज होने लगे तो जहर बनने से मेरा मतलब है कि आज ये दिखाने के लिए काफी मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत हैं कि नाराज होने पर जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं तो आज डॉक्टर चेक कर सकते हैं हम आपका खून लेकर यह देख सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में जहर डाल रहे हैं यह वो जहर है जो आप पीते हैं पर दूसरे के मरने की उम्मीद करते हैं जीवन ऐसे नहीं चलता अगर आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे यही ठीक है यही ठीक है है ना आप जहर पिए तो आपको मरना चाहिए मैं जहर पीकर उसे मारना चाहता हूं ऐसा नहीं होता like <laughs> तो ऐसी भावनाएं हमारी क्षमता को छीन लेती हैं। देखिए इंसान में प्रतिभा नाम की एक चीज होती है हर इंसान में होती है वो उसे जीवन में कभी ना कभी छूता है पर प्रश्न ये है कि आप उसे कितनी बार छूते हैं यही प्रश्न है यू स्पॉक्ट वंस इन योर लाइफ टाइम That's not good enough. You must be sparking all the time, isn't it? आप अपने जीवन में एक बार चमके ये काफी नहीं है आपको हर समय चमकते रहना चाहिए है ना प्रतिभा क्या होती है इसे समझने के कई तरीके हैं पर सबसे आसान तरीका ये है कि हम हमेशा तार्किक विचारों को ही बुद्धि मानते हैं नहीं तार्किक विचार शायद अगले 25 वर्षों में बेकार हो जाएगा क्योंकि तब शायद आपका कंप्यूटर हर तरह के तार्किक विचार पैदा करने के काबिल हो जाएगा आपसे कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा तेज तो प्रतिभा को छूना यानी अपने अंदर मौजूद बुद्धि का दूसरा आयाम छूना आपने नाश्ते में क्या खाया चिकन देखिए उन्होंने मुर्गी खाई दोपहर होते होते वो मुर्गी एक इंसान में बदल गई है अगर आप चार्ल्स टाविन से पूछते कि एक मुर्गी इंसान कितने समय में बनती है तो वो लाखों वर्षों की बातें करते हैं। यहां ये दोपहर में ही मुर्गी को इंसान में बदल रहे हैं इंटेलिजेंस देर इज अम्पिटेंस तो यहां एक बुद्धि और क्षमता है जो प्रकृति के लाखों वर्षों के काम को बस दोपहर में ही कर सकती है बस ये है कि बुद्धि अचेतन स्थिति में है अगर कोशिश की जाए तो आप हर अचेतन प्रक्रिया को एक जागरूक प्रक्रिया में बदल सकते हैं जागरूकता में अगर इस बुद्धि की एक बूंद भी आपको मिल जाए तो अचानक जीवन एक जादू की तरह चमक उठेगा जो काम लोग मुश्किल से करते हैं वो आपके लिए आसान होगा अब जब मैं बुद्धि कहता हूं तो लोग हमेशा यह सोचते हैं अगर मैं लोगों से पूछूं कि बुद्धि कहाँ है तो सभी हमेशा यही कहेंगे है ना वो ये या ये या ये या ये नहीं कहेंगे पर आपके शरीर की एक कोशिका आपके दिमाग से कहीं ज्यादा काम कर रही है डीएनए का एक अणु एक मिनट में इतने लाखों काम कर रहा है कि आप कभी समझ ही नहीं सकते है हाँ ना तो योग में या योग विज्ञान में हम कभी भी किसी चीज को मन नहीं मानते मन जैसी कोई चीज नहीं होती एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर है शरीर से सोचना सीखना होगा यह एक छोटा सा सेशन है अभी यह बात नहीं करनी चाहिए पर यह बताना जरूरी है कई चीजें हैं जो मैं खुद एक ही समय में करता हूं क्योंकि कोई मुझे बताता है अभी इस सत्र से पहले कोई कहता है सदगुरु इस इमारत की योजना बनानी है क्योंकि हम सब कुछ खुद करते हैं अब यहां से जाने से पहले मेरा बिल्डिंग प्लान तैयार होगा वो अभी यहीं बनेगा क्योंकि मेरे दिमाग में 12 से 14 चैनल वाकई चलते रहते हैं सिर्फ दिमाग में ही नहीं शरीर से भी सोचा जा सकता है आप शरीर से सोचना सीख लें तो कभी सिरदर्द नहीं देगा यह सबसे अच्छी बात है इतनी जिम्मेदारियां हैं और कई चीजें एक साथ चल रही हैं तो क्या तनाव नहीं होता बिल्कुल नहीं होता क्योंकि आप अपने एक गहरे आयाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी कर सकते हैं यह आयाम सभी में है शायद आपके तर्क का स्तर किसी दूसरे से कम हो सभी की तार्किकता अलग अलग होती है पर हर इंसान अगर आप एक गाजर खाते हैं तो उसे पचा सकते हैं यानी आप में बुद्धि का एक और आयाम है हाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति बनाए कि सिस्टम के अंदर जो भी है वो आपके लिए उपलब्ध हो तो ऐसे व्यक्ति का सफल होना तय है